नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंजाब के गवर्नर से मुलाकात की है और वो जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। आज आपने मुलाकात की है, दो मिनट में आप अपनी बात रख दीजिए। देखो, आज मैं पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय प्रोहो जी से एक औपचारिक भेंट करने के लिए गया था और उसमें मैंने आदरणीय राज्यपाल महोदय से, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, उनसे निवेदन किया है कि जो हरियाणा विधानसभा के लिए नया भवन बनाने के लिए ज़मीन की बात है, उसको जल्दी सिरे चढ़ाया जाए। ज़मीन आपने अपनी फाइनल कर ली है, क्या ज़मीन की अदला बदली कर रहे हैं हम? हाँ, हमने लिखा है कि ज़मीन की अदला बदली करने के लिए हम तैयार हैं। हमने अपनी ज़मीन भी बता दी है, उनके ज़मीन भी। हरियाणा में हम कहाँ दे रहे हैं ज़मीन? हरियाणा में चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते हैं। और ये कार्यवाही कब शुरू हो रही है विधानसभा में? ये अभी ये तो देखो गवर्नर साहब पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम कुछ पैसे भी देंगे उनको या सिर्फ ज़मीन? नहीं नहीं नहीं, जो भी होगा वो वैल्यू के हिसाब से होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मेरे साथ थे और आज बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पंजाब के गवर्नर हैं और यूटी प्रशासक हैं, उनके साथ मुलाकात की और अपने जो शिष्टाचार मुलाकात वो बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने जो विधानसभा नई बननी है हरियाणा की, उसके भवन को लेकर भी बात की। मैं हूँ देवेंद्र, देखते हैं पंजाब की सी टीवी। नमस्कार।